अच्छा जी क्लास, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन। हमारे पहले केसेस डिस्कस किए थे कि किस तो टाइप ऑफ फंक्शन को आपने इंटीग्रेट करना है। उसके बाद हमने टाइप वन की थी इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक फी इक्वेशन फाइंड की थी, राइट। अब टाइप टू बता रहा हूँ, जिसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन। इसके दो केसेस हैं, अगर आपकी रोटेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो या फिर आपकी रोटेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल, फोकस करिएगा इस बात पर, जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट बिटवीन ए एंड बी इस लिमिट्स पे अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंप्लीट 360 रोटेट कर रहा हूँ, तो अगर आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना, फॉर्मूला क्या आपका, वी इक्वल्स टू पाए इंटीग्रल, लिमिट्स क्या होंगी आपकी ए बी, आपने वाई को स्क्वायर करना है और फिर डी एक्स से की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है, तो वो आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। ये नोट कर लें फॉर्म, कब, जब आपके रोटेशन का हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो और एंगल कितना आपका 360 हो, मीन्स कंप्लीट रोटेशन है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब इसी पैटर्न से केस नंबर टू, अगर आपकी रोटेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस हो तो आपने मेक श्योर करना है कि जो आप इक्वेशन फॉर्म करो उसमें आपने एक्स को सब्जेक्ट फॉर्म करना है, राइट। मीन्स यहाँ पे एक्स क्या हो आपका, इंडिपेंडेंट हो, सॉरी डिपेंडेंट हो, और वाई क्या हो, डिपेंडेंट हो, सॉरी इनडिपेंडेंट हो, सॉरी मिस्टेक कह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ देखने में भी। जब आपका एक्स डिपेंडेंट हो और एक्स इनडिपेंडेंट हो, राइट, इसमें आपको एक्स को सब्जेक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। अब अगर बिटवीन लिमिट सी और डी, ये पूरा जो शेप है आपका वाई के अलॉन्ग 360 पर रोटेट कर रहे हैं, अगर आपने इसका फाइंड करना है वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या है, नोट करो, V इक्वल्स टू पाई लिमिट्स सी और डी। अब क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स को सब्जेक्ट फॉर्म किया होगा, तो एक्स को स्क्वायर करोगे और विद रिस्पेक्ट टू वाई फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, तो ये आपका केस नंबर टू। ये दो फॉर्म याद रखना आपने, ठीक है। अभी मैं इसका पहला फर्स्ट लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे हम सिंगल कर्व से कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम्स, के बाद मल्टीपल कर्व में मूव करूंगा। चलिए, आई होप कि आपने ये दो फॉर्म में नोट कर लियो, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस और ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब देखो आप एग्जाम्पल वन, उसका रेफरेंस लिखा हुआ है। अब ये एक कर्व गिवन आपको, जिसकी इक्वेशन आपको दी गई है, फॉर लिमिट्स वन एंड फोर इन लिमिट्स पे, ये कर्व एक्स के अलॉन्ग, देखो आप कंप्लीट रोटेट कर रहे हैं आपका, कंप्लीट मीन्स कितने, एंगल कितना होगा 360, और रोटेशन आपके अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। आंसर आपने पाई के फॉर्म में देना है। अब आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मींस कौन सा केस नंबर वन है। अब यहाँ पे देखो, पहले से फॉर्म लिख रहा हूँ, वी इक्वल्स टू पाई इंटीग्रल लिमिट्स ए टू बी वाई स्क्वायर डी एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। रोटेशन आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मीन्स केस नंबर वन है। अब यहाँ वैल्यू स्पोर्ट कह रहा हूँ, देखो पाए लिमिट्स क्या आपकी वन और फोर, फिर क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर में इस पूरे को स्क्वायर करोगे, थ्री एक्स टू द पावर वन ओवर फोर, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या है डी एक्स, ये वैल्यू स्पोर्ट की। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो पाए सेम कॉपी कर रहा हूँ, लिमिट्स क्या आपकी वन और फोर, अब ये स्क्वायर दोनों कंटेन करें, थ्री स्क्वायर क्या होगा नाइन, जब आप एक्स टू द पावर वन अपॉन फोर का स्क्वायर करोगे तो ये एक्स की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और इनटू क्या होगा डी एक्स। अब आपने इस कर्व को इंटीग्रेट करना है, तो पाए सेम कॉपी कर रहा हूँ, देखो नाइन तो सेम रहेगा, अब आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो ये सब केस नंबर वन हो जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या था कि पहले आप इसकी ऑन द होल पावर में वन ऐड करोगे, फिर जो भी पावर का सम आ रहा है उसे डिवाइड करोगे, सम कितना आएगा थ्री अपॉन टू, तो आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। अब यहाँ पे सी ऐड नहीं करोगे, आपको लिमिट्स गिवन है, तो लिमिट्स क्या आपकी वन और फोर, तो यहाँ पे लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करोगे वन और फोर। अब देखो थ्री वन जा थ्री और थ्री थ्री जा नाइन, टू इंटू थ्री कितना होगा सिक्स, ये सिक्स पाई बन जाएगा, और एक्स की पावर क्या आपकी थ्री अपॉन टू, लिमिट्स क्या आपकी फोर और वन,
आंसर आपने पाई के फॉर्म में देना है। अब लिमिट्स किसे पुट करते हैं, एक्स में। पैटर्न क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अब पुट कर रहा हूँ अपर लिमिट, तो एक्स में फोर फोर पुट कर लो, फिर माइनस लोअर लिमिट एक्स में वन पुट कर लो। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिक्स पाई, ये कॉमन ले लो। तो फोर टू द पावर थ्री ओवर टू माइनस वन, कुछ भी पावर कंटेन करे वन ही हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो फोर टू द पावर 1.5 माइनस वन सेवन हो जाएगा, तो सेवन सिक्स कितना 42 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 42 पाई। ये आपने कैलकुलेट किया इसका वॉल्यूम। आई होप कि सब फर्स्ट एग्जाम में सब क्लियर हो। बहुत सिंपल चीज़ है, रिपीट कर देता हूँ। बिटवीन लिमिट्स 1 एंड 4 ये कर्व रोटेट करे कंप्लीट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया केस नंबर 1, इसमें आपने वाई पुट किया, लिमिट्स पुट की, पहले वाई को स्क्वायर कर लिया, फिर आपने फंक्शन को इंटीग्रेट किया, लिमिट्स पुट की, आंसर पाए के फॉर्म में दिया आपने। तो ये हमारी एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप कि सबको फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर हो। भाई कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं आप लोग। अब केस एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो आपको कर्व ये दिए हैं, ये गिवन है, लिमिट्स गिवन आपको 1 और 2। अब इन लिमिट्स पे ये कर्व एक्स के अलोंग कंप्लीट रोटेट कर रहा है। आंसर यहाँ भी पाई के फॉर्म में देना है आपने, और इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स केस कौन सा, तो केस नंबर 1 है। अब यहाँ से देखता हूँ फॉर्मूला, लिख रहा हूँ कि v इक्वल्स टू पाई लिमिट्स, फॉर्मूले क्या आपके a टू b y स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ वैल्यू स्पोर्ट कर लेते हैं, पाई लिमिट्स क्या आपकी 1 और 2, y स्क्वायर इस पूरे को स्क्वायर करोगे तो 6 over 3x - 2 होल स्क्वायर और इंटू क्या होगा dx। तो v इक्वल्स टू पाई लिमिट्स क्या आपकी 1 और 2। अब ये स्क्वायर दोनों कंटेन करें, 6 स्क्वायर क्या होगा 36 ओवर 3x - 2 ये होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू क्या होगा dx। अब इस ब्रैकेट को ऊपर शिफ्ट करो और तो पाई इंटीग्रल लिमिट्स क्या है 1 2, जब तक ऊपर शिफ्ट नहीं करोगे इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो 36 इंटू ये 3x - 2 होल पावर -2 हो जाएगा और इंटू क्या होगा dx। ये इंटीग्रेशन में केस 2 बन गया, लीनियर फंक्शन ऑन द होल पावर कंटेन कर रहा है। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, पाई सेम कॉपी कर रहा हूँ, जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे इसमें 36 कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये सेम रहेगा। पहले आपने इसकी ऑन द होल पावर में 1 ऐड करना है, पावर का सम कितना आएगा -1, उससे डिवाइड करोगे, फिर आप 3x - 2 को डिफ्रेंशिएट करो, आंसर 3 आएगा, उससे भी डिवाइड करोगे, लिमिट्स क्या आपकी 2 और 1, सी ऐड नहीं करोगे। अब 3 1 3 और 3 2 6 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये -12 पाई ओवर 3x - 2 हो जाएगा होल पावर 1। मैंने फंक्शन को अरेंज कर लिया, लिमिट्स क्या आपकी 2 और 1। अब लिमिट्स पुट करते हैं, अब पहले एक्स में पुट करूंगा इसकी अपर लिमिट, फिर माइनस एक्स में पुट करूंगा 1 इसकी लोअर लिमिट। तो -12 पाई ओवर 3 × 2 - 2 होल पावर 1 अपर लिमिट, या आपने एक्स में 2 पुट किया, फिर माइनस अब लोअर लिमिट क्या है 1, तो -12 पाई ओवर 3 × 1 - 2 ये आपने पुट की इसकी लोअर लिमिट। तो -12 पाई 6 - 2 4 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 12 पाई ओवर कितना हो जाएगा 1, 4 3 12 तो -3 पाई और प्लस 12 पाई, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा
नाइन पाई। तो ये आपने कैलकुलेट किया इसका वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पाई। इस आप लोग पूरा फॉलो करना, आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना, राइट। बगैर स्क्वायर किए और पाई से मल्टीप्लाई किए बगैर आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे ये आपको कर्व इक्वेशन गिवन है, लिमिट्स 1-3 है। अब आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, रोटेशन आपके अलोंग एक्स एक्सिस है, एंगल 360 है और वॉल्यूम गिवन आपको 24 पाई। अब यहाँ से आपने अननोन ए कैलकुलेट करना है क्योंकि केस वन ही है, जो आज के लेक्चर में खाली मैं केस वन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो वी इक्वल्स टू पाई, लिमिट्स क्या आपकी 1-3, फॉर्मूला क्या है वाई स्क्वायर और इनटू क्या होगा डीएक्स। अब वॉल्यूम कितना गिवन है आपको 24 पाई इक्वल्स टू पाई, लिमिट्स क्या आपकी 1-3। अब वाई को स्क्वायर करना है तो वाई क्या आपका ए अपॉन एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा और इनटू क्या होगा डीएक्स। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 24 सेम कॉपी कर रहा हूँ, लिमिट्स क्या आपकी 1 और 3, ये स्क्वायर दोनों कंटेन करें तो मीन्स ये क्या होगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू क्या होगा डीएक्स। अब 24 इक्वल्स टू लिमिट्स क्या आपकी 1-3 ए स्क्वायर। अब आप इस एक्स स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर लो, इसकी पावर क्या हो जाएगी -2 इंटू डीएक्स हो जाएगा। फिर 24 इक्वल्स टू ए स्क्वायर देखो कांस्टेंट है सेम रहेगा। अब आपने खाली इस फंक्शन को क्यों आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करो, चेंज खाली एक्स माना चाहिए, तो मैं एक्स को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो पहले आपने इसकी पावर में 1 ऐड करना है, पावर का सम कितना आएगा -1, उसे डिवाइड करोगे, लिमिट्स क्या आपकी 3 और 1। तो 24 इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स हो जाएगा, लिमिट्स क्या आपकी 3 और 1। अब यहाँ लिमिट्स पुट कर लेते हैं, तो 24 इक्वल्स टू पहले एक्स में 3 पुट करो अपर लिमिट, तो माइनस ए स्क्वायर ओवर 3 अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 लोअर लिमिट। तो 24 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3 देन माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो 24 इक्वल्स टू जब 1 में से 1 अपॉन 3 माइनस करोगे, यहाँ पे 1 है तो ये 2 अपॉन 3 ए स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर, 2 इंटू 12 24, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 36। जब स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट आएगा, तो ए इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस 6। अब एक आंसर प्लस 6 आ रहा है और एक आंसर माइनस 6 आ रहा है। अब गिवन क्या था क्वेश्चन देखो, ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जो नेगेटिव आंसर है इसे हम इग्नोर कर देंगे, तो ए का आंसर क्या होगा 6। आई होप कि ये एग्जाम्पल सब क्लियर हो, राइट। अब इसी पैटर्न पे एक एग्जाम्पल मैंने लेक्चर में और रखी हुई है, वो देख लो, रिपीट कर रहा हूँ कि मैं भी सिर्फ और सिर्फ केस वन एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग वाई रोटेट करवाऊंगा। देखो अब इसके एक स्केच ड्रॉ कर लेते हैं। देखो आप 1 अपॉन एक्स ग्राफ दिए हुए हैं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनना चाहिए। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, सॉरी गलत बन गया, ऐसे ग्राफ बनेगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑब्टेन व्हेन द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व द कोऑर्डिनेट एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और y axis and the line x equals to 1 and the line x equals to 1। तो जितना पार्ट में शेड कर रहा हूँ इसकी बात करें
कर्व कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन एक्स इक्वल टू वन। अब इसको आपने रोटेट करना, शेड पार्ट को रोटेट करना है आपने अलोंग एक्स एक्सिस और कंप्लीट करना है, और इसका आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। ये आपको कर्व की इक्वेशन दी है, तो फॉर्मूले क्या था, वी इक्वल्स टू पाई, लिमिट्स क्या आपकी ए बी, वाई स्क्वायर डी एक्स। तो वी इक्वल्स टू पाई, अब लिमिट्स क्या होंगी आपकी, देखो जीरो और वन, ये लिमिट्स हो जाएंगी आपकी। फिर वाई स्क्वायर, इस पूरे को स्क्वायर करो तो नाइन ओवर टू माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू क्या है डी एक्स। देखिए वी इक्वल्स टू पाई, लिमिट्स क्या है आपकी जीरो वन, अब ये स्क्वायर दोनों कंटेन कर रहे हैं, तो ये स्क्वायर नाइन भी कंटेन कर रहे हैं, तो नाइन स्क्वायर कितना होगा एटी वन, और फिर ये स्क्वायर टू माइनस एक्स भी कंटेन कर रहे हैं, और इनटू क्या होगा डी एक्स। अब आप इस ब्रैकेट को पहले ऊपर शिफ्ट कर लो, तो ये 81 इंटू टू माइनस एक्स होल पावर माइनस टू हो जाएगा, और इंटू क्या होगा डी एक्स। क्या आपने इसको अरेंज कर लिया। अब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, देखो लीनियर फंक्शन ऑन द होल पावर कंटेन कर रहा है, केस नंबर टू है, तो पहले आपने इसकी ऑन द होल पावर में वन ऐड करना है। अब बताएं पावर का सम कितना आएगा, माइनस वन, उससे डिवाइड करोगे। अब आप टू माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, आंसर आएगा माइनस वन, उससे डिवाइड करोगे। लिमिट्स क्या आपकी वन और जीरो, अभी क्या हो जाएगा 81 पाई इंटू टू माइनस एक्स होल पावर माइनस वन ओवर माइनस, माइनस क्या होगा प्लस वन। लिमिट्स क्या आपकी वन और जीरो। अब आप इस माइनस वन को प्लस वन कर लो, तो ये क्या होगा 81 पाई ओवर ये टू माइनस एक्स हो जाएगा। लिमिट्स क्या आपकी वन और जीरो। अब इसमें लिमिट्स पुट कर लेते हैं, तो पहले एक्स में पुट कर रहा हूँ इसकी अपर लिमिट, तो 81 पाई ओवर टू माइनस वन अपर लिमिट, फिर माइनस 81 पाई ओवर टू माइनस जीरो लोअर लिमिट। ये क्या होगा 81 पाई ओवर वन माइनस 81 पाई ओवर टू। अच्छा यहाँ देख लें क्वेश्चन, आपको आंसर किस फॉर्म में देना है, इसने आंसर पाई के फॉर्म में नहीं मांगा, लेकिन हमारी मर्जी है आंसर किसी फॉर्म में दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप पाई कॉमन ले लो, तो ये 81 माइनस 81 ओवर 2 इनटू पाई हो जाएगा। जब आप इनका डिफरेंस कैलकुलेट करोगे मींस 81 माइनस 81 ओवर 2, तो आंसर आ रहा है आपका 81 ओवर 2 इनटू पाई। अगर डेसिमल कन्वर्ट करो तो मीन्स आंसर क्या होगा 40.5। तो ये कैलकुलेट किया आपने इसका वॉल्यूम। आई होप कि लेक्चर सब क्लियर हो, बाकी कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। ये मैंने इसके अभी आज केसेस कराए आपका लॉन्ग एक्स एक्सिस वाले, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, चलें, थैंक यू।